आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी बुलडॉग चिली स्पाइसी नूडल्स। आप लोगों के सामने मैं खा के दिखाऊंगी, तो चलो आप मेरे साथ कुक करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, अभी पानी उबाल लेती हूँ, उसके बाद ये डालूंगी। मैंने नूडल्स निकाल लिया है प्लेट पे, और ये है इसका सॉस, ये है असली वाला जो स्पाइसी है। फिलहाल तो पानी उबल चुका है, अभी मैंने यहाँ पे नूडल्स डाल देती हूँ। सारे नूडल्स डाल दिया है, यहाँ पर सारे नूडल्स खुल गई है अच्छे से, तो मैं उसे थोड़ा पकने के लिए रखती हूँ। उसको अभी जस्ट डाला है तो इतना ज़्यादा नहीं पका है, तो पकने के लिए रखती हूँ थोड़ा और देर। नूडल्स ऑलमोस्ट पक चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, ये बड़ा बड़ा हो गया है। मैं थोड़ा और इसको पकाती हूँ, उसके बाद जो उसका जो पानी है मैं वो फेंक दूँगी। तो हो चुका है इसका, अभी मैं गैस ऑफ करके पानी फेंक देती हूँ, ऑफ कर दिया है। अभी मैं जो उसका जो नीचे पे थोड़ा सा पानी है उसको थोड़ा सा फेंकूँगी, ज़्यादा सब नहीं फेंकूँ, सब थोड़ा सा फेंके थोड़ा सा रखूँगी उसको नीचे। थोड़ा सा ही फेंका है, अभी यहाँ पे मैं हो गया है ये। तो हेलो नमस्ते, आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो मैं आप लोग ने देख भी लिया होगा, आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता भी चल गया होगा कि मैं क्या वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये है मेरा जो नूडल्स मैंने पकाया था, तो मैंने साथ पे लिया है ये जूस, ठंडा जूस, और यहाँ पे मिठाई। तो मैं अभी शुरू करती हूँ खाना, देखती हूँ खा के कि कितना ज़्यादा स्पाइसी मैं सह सकती हूँ। जैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो मुझे खाने का भी मन हो रहा है बहुत, मेरे मुंह पे पानी आ रहा है ये खाने के खुशबू के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक बाइट से ही बहुत स्पाइसी पता चल जाता है। ये नूडल्स लिप्स पे लगने से ना मतलब एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फील होता है, ज़्यादा। मैं तो ट्राई कर रही हूँ जिससे मेरे लिप्स पे ना लगे। वैसे टेस्टी है, बहुत स्पाइसी है फिर भी टेस्टी है, ये नूडल्स बहुत टेस्टी है। तो देखती हूँ मैं सब खा पाती हूँ या नहीं, अभी तक तो इतना स्पाइसी नहीं लगा। Thank you.
इसलिए नूडल्स इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्पाइसी कोरियन नूडल्स में से मुझे कौन सा लगा, वो जो है घोस्ट पेपर, घोस्ट ब्लैक पेपर, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी, इससे भी ज़्यादा वो स्पाइसी है। जो हमें ट्राई करके देखा तो खा नहीं पाई उसको, एक दो बाइट से पूरा एकदम मुँह जल गया था। तो ये तो पूरा खा रही हूँ मैं, अभी भी इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा मुझे। मेरा पसीना छूटना स्टार्ट हो गया है, जैसे जैसे खा रही हूँ बहुत ज़्यादा वैसे वैसे मुझे स्पाइसी लगना स्टार्ट हो गया है। ये ख़त्म करने में मुझे कितना मिनट लगता है देखती हूँ। हाथ में लग गया देखो, और हाथ में कुछ अपना फेस नहीं पकड़ पाऊंगी ये हाथ से, वरना मेरा पूरा मुंह पे जलन होना स्टार्ट होगा। मेरा नाक का पानी में आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके जब भी स्पाइसी नूडल्स खाएंगे तो अपना लिप्स अब पे अब उठ दीजिएगा खाने पे, जब आप जब खाएंगे तो वो नूडल्स आपके लिप्स पे ना लगे, क्योंकि लिप्स पे लगने से ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो और भी स्पाइसी लग के आप नहीं खा पाओगे इसमें, मैं ना लिप्स पे नहीं लगा रही, एक दो ऐसे लग रहा है फिर भी ना नहीं ज़्यादा जल रहा है। मेरा तो नूडल्स ख़त्म होने वाला है तो मुझे इतना स्पाइसी भी नहीं लग रहा है। तो ख़त्म हो चुका है मेरा नूडल्स, थोड़ा स्पाइसी है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हो उन लोगों के लिए जस्ट नॉर्मली ही है, इतना ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं है। जो लोग स्पाइसी नहीं खाते हो आप लोग प्लीज़ ये मत खाइएगा। तो अभी 6:13 हो गया है, तो मैं देखती हूँ मैं कितना देर रुक सकती हूँ। मैंने कोरियंस का नूडल्स 3x स्पाइसी, 2x स्पाइसी और ब्लैक घोस्ट पेपर ट्राई किया था, तो
मुझे सबसे ज़्यादा स्पाइसी ब्लैक घोस्ट पेपर लगा, क्योंकि वो मैंने बस दो तीन बाइट खाया तो इतना जलन स्टार्ट हुआ, मेरा जो लिप से इतना ज़्यादा जलना स्टार्ट हुआ था तो मैं नहीं खा पाई, एकदम से नहीं खा पाई, मेरा मुँह पूरा पसीना ऐसे पूरा एकदम मेरा हालत ख़राब हो गया था, वो तो मैं नहीं खा पाई। तो ये तो मैं नॉर्मली ही खा लिया, तो मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लग रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा जितना स्पाइसी लग रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, तो मेरा इतना ज़्यादा पसीना भी नहीं निकला। आप लोग ट्राई भी करके देख सकते हो स्पाइसी नूडल्स। जब मैं ब्लैक घोस्ट पेपर ट्राई किया था तो मेरा मुँह से तो पूरा पानी निकल आया था, पूरा पसीना भी आ गया था, तो मुझे इतना नहीं लगा। पेट में अंदर जाके पेट दर्द होना स्टार्ट होता है, तो मेरा भी पेट थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा भी बस थोड़ा थोड़ा इधर से पसीना आना स्टार्ट हो गया। जब मैंने ब्लैक घोस्ट पेपर खाया था उसका वीडियो उसमें मैंने बनाया था थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को वो मेरे इस वीडियो के साथ ही वो वीडियो में मैं डाल दूँगी, तो आप लोग देखेगा ये थ्री स्पाइसी नूडल्स या ब्लैक घोस्ट पेपर का दोनों में से मेरा दो वीडियो में से रिएक्शन आप लोग को मैं ज़रूर दिखा दूँगी, आप लोग देखिएगा मेरा रिएक्शन उस वीडियो पे, तो आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा कौन सा वाला नूडल्स ज़्यादा स्पाइसी है। मेरा मुँह से जो थोड़ा स्पाइसी लग रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है, अभी बस जस्ट नॉर्मली ही है, मेरा मुँह अभी और नहीं चल रहा है। अभी आप लोग को देख सकते हो मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, जब मुझे स्पाइसी लग रहा था तो मैं ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, तो मैं अभी अच्छे से बात कर पा रही हूँ, तो ख़त्म हो गया। तो मैं आप लोग के साथ में फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कौन सा वाला नूडल्स का चैलेंज आप लोगों को अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ ये ब्लैक वाला नूडल्स, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, कितना ज़्यादा स्पाइसी होगा, तो खाने के बाद ही पता चलेगा। डर नहीं लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा अब खाने के बाद ही पता चलेगा ना। चलो खाती हाँ, सच में बहुत स्पाइसी है, दो बाइट खाते ही मेरा लिप्स जलने स्टार्ट कर रहा है। ओ मेरा पूरा लिप्स और यहाँ पे इतना जल रहा है,